हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ CHSL 2024 रो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट ही सारी छी। एही पोस्ट को आपन ऑनलाइन अप्लाई केमिति करिवे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मु आपन बतेबी। ता पूर्व जदि आपन एही चैनल ले नुवा छथि, एही चैनल को सब्सक्राइब करनियो तो बेल आइकन प्रेस करबा को बोलंतु। चलंतु एही पोस्ट को आपन केमिति अप्लाई करिवे स्टेप बाय स्टेप जानिबा। फ्रेंड, ये जो देखते e-niyukti.in निजुक्ति ओडिशा वेबसाइट रही है, डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी, डायरेक्ट क्लिक करेंगे अपना जॉब स्टेप पहुंची पारे। नचे आप गूगल ने सर्च करेंगे e-niyukti.in जॉब स्टेप प्रथम आसटे क्लिक करें पोस्ट में पहुंच पारे। ये आप शो कौन SSC CHSL रिक्वायरमेंट 2024 नोटिफिकेशन शो कौन पोस्ट को अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही है, ऑनलाइन अप्लाई के स्टार्ट लास्ट के एग्जाम डेट, आप्लिकेशन फी, एज लिमिट के दरकार, डिटेल्स चेकआउट करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस आपको कौन रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप डाउनलोड करेंगे, सिलेबस भी आप देखिपारे। ये आपंकर अप्लाई लिंक शो कौन आर पर आपड़ी क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर यही पेजटा आपड़ी ओपन हो पुराना वेबसाइट आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तेल आपको आउ थे नुआ रजिस्ट्रेशन करा पड़ो। आप आगू नुआ वेबसाइट रजिस्ट्रेशन करते सारे आप लगइन रजिस्ट्रेशन शो कौन आर पर आपड़ी क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आप नुआ रजिस्ट्रेशन करा चाहते फास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते रजिस्टर नाम पर आपड़ क्लिक करेंगे। आप आगे रजिस्ट्रेशन करते नुआ वेबसाइट में आप रजिस्टर नंबर थो, पासवर्ड थो, कैप्चा देखते कैप्चा फिल कर लगइन पर क्लिक लगइन करेंगे। जब आप नुआ रजिस्ट्रेशन करते रजिस्टर नाम पर आपड़ी क्लिक करेंगे। कलापर आप पेजटा आप ओपन हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज आप ओपन हो भलि पढ़ने पर कंटिन्यू पर आपड़ी क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक कलापर आप शो कौन डू यू हाव ए आधार कार्ड, आप आधार कार्ड अच्छी तेल आप ये सब क्लिक करेंगे। आधार कार्ड नंबर देते आधार कार्ड नंबर आउ थे आपड़ी भेरीफाई करेंगे। जदि आप आधार कार्ड ना तो आप नो क्लिक करेंगे। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आप अदर जो कार्ड अच्छी ड्राइविंग लाइसेंस अच्छी कि पैन कार्ड अच्छी, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी जहाँ आपकी आप चूज करेंगे। जो आईडी कार्ड आप चूज कर आईडी कार्ड नंबर आपड़ी एंटर कंटिन्यू। कैंडिडेट नेम एज फॉर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जहाँ सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जहाँ आप नेम अच्छी फुल नेम आप एंटर करेंगे। से नेमटा आउ थे आप भेरीफाई करेंगे। हाव यू एवर चेंज नेम, आप नेम चेंज करते आप ये सब क्लिक करेंगे। जो नेम चेंज करते आप डिटेल्स भरेंगे, जब आप चेंज करना नो पर आप क्लिक करेंगे। जेंडर आप कौन रही है, मेल फिमेल, जहाँ आप जेंडर जेंडर सिलेक्ट करेंगे। वेरीफाई आउ थे आप भेरीफाई करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जहाँ आप डेट ऑफ बर्थ रही डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जहाँ आप एंटर कले डेट ऑफ बर्थ आउ थे आप भेरीफाई करेंगे। फर्स्ट नेम, जहाँ आप फादर्स नेम रही है फादर्स नेम आप एंटर करेंगे, फादर्स नेम आउ थे आप भेरीफाई करेंगे। मदर्स नेम से आप एंटर करेंगे, मदर्स नेम आउ थे आप भेरीफाई करेंगे। मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आप बोर्ड कौन रही है ये बोर्ड आप सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा आप सिलेक्ट करेंगे, जहाँ आप बोर्ड रही है बोर्ड आप सिलेक्ट करेंगे। वेरीफाई मैट्रिकुलेशन बोर्ड आउ थे आप बोर्ड आउ थे आप भेरीफाई करेंगे। रोल नंबर, जहाँ आप 10th रोल नंबर रही है 10th रोल नंबर आप एंटर करेंगे। रोल नंबर शुड बी सेम आज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जहाँ आप रोल नंबर एंटर करेंगे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से रोल नंबर आप मेंशन होता दरकार। रोल नंबर आउ थे आप भेरीफाई करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, कोई ईयर आप 10th पास आउट हेले ईयर ऑफ पासिंग आप 10th रो ईयर कोई ईयर आप पास आउट हेले 10th ईयर पासिंग आप एंटर करेंगे। वेरीफाई करेंगे जो ईयर आप पास आउट हेले 10th आप ईयर आउ थे वेरीफाई करेंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कौन आप जाए पढ़ी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप कौन रही है आप सिलेक्ट करते आप आउ थे कन्फर्म करेंगे। कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर आप ओटीपी जो मोबाइल नंबर आप वेरीफाई करेंगे। वैलिड ईमेल आईडी देते ईमेल आईडी ओटीपी जो ईमेल आईडी आप वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी एंटर कर सारा आप शो कौन सेंड ओटीपी आर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे आप ओटीपी द्वारा आप मोबाइल नंबर आप ईमेल आईडी आप वेरीफाई करने वेरीफाई कर सारा आप वैलिड आप शो करेंगे। आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक कला आप रजिस्टर नंबर आप शो करेंगे। रजिस्टर नंबर आप शो करेंगे नोट डाउन कर लिखने आप कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक कलापर आप साइन इन करने आप पेज आप ओपन हो एटी आप जो रजिस्टर नंबर आप नोट कर रखते हैं रजिस्टर नंबर आप एंटर करेंगे। पासवर्ड आप मेल आईडी आप पासवर्ड होता है पासवर्ड आप एंटर करेंगे। कैप्चा देखते कैप्चा आप फिलअप करेंगे आप साइन इन पर आप क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक कलापर आप नुआ पासवर्ड सेट करेंगे आप ऑप्शन आसव ओल्ड पासवर्ड जहाँ आप ईमेल आईडी जहाँ आप ओल्ड पासवर्ड होता है ओल्ड पासवर्ड आप एंटर करेंगे। न्यू पासवर्ड अकाउंट को लॉगिन करने आप न्यू पासवर्ड आप सेट करेंगे। पासवर्ड आप मिनिमम आप 8 कैरेक्टर थोड़ा दरकार से गोटे अपर केस थोड़ा दरकार कैपिटल लेटर थोड़ा दरकार गोटे स्मॉल लेटर थोड़ा दरकार गोटे आप नंबर थोड़ा दरकार गोटे आप स्पेशल कैरेक्टर मैंने एट द रेट हार्स पर्सन आप दरकार। पासवर्ड आप सेट करेंगे जो पार्ट आप सेट कले पार्ट आउ थे आप कन्फर्म करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप आंसर आप क्वेश्चन आप गोटे क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे तार जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे से क्वेश्चन आंसर आप एंटर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप चूज करेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन आंसर आप एंटर करेंगे तापर आप सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर आपकी पासवर्ड आप सक्सेसफुल आपको ओके उपर क्लिक कलापर आउ थे लॉगिन करेंगे आप ऑप्शन आसीब जो रजिस्टर नंबर आप नोट कर रखते हैं रजिस्टर नंबर आप करेंगे जहाँ आप पासवर्ड सेट कले न्यू पासवर्ड आप एंटर करेंगे कैप्चा देखते कैप्चा आप फिलअप करेंगे आप लॉगिन उपर क्लिक कर लॉगिन करें लॉगिन उपर क्लिक कलापर आप अकाउंट आप लॉगिन होगा आडिशनल डिटेल्स आप कैटेगरी आप कौन रही ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व जहाँ आप कैटेगरी रही आप कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी आउ थोड़ा आप रिवेरीफाई करेंगे नेशनालिटी आप कौन रही नेशनालिटी आप इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया आप सिलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल आप अदर नेशनल सिलेक्ट करते हैं आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप भरेंगे ना आप ऑफ रहा विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क जहाँ बॉडी आपर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क रही है कि कट मार्क अच्छी आप एंटर करेंगे आर यू ए पर्सन जो बेंच मार्क डिजिबिलिटी आप पीडब्ल्यू कैटेगरी होते हैं आप ये सब क्लिक करेंगे डिटेल्स आप भरेंगे नो पर आप क्लिक करेंगे परमानेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस भरेंगे आर्ट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट आप भरेंगे स्टेट आपशा आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे ओडिशा स्टेट सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट आप कौन रही है आप डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे पिनकोड जहाँ आप पिनकोड रही है पिनकोड आप एंटर करेंगे आप सो कौन इज प्रेजेंट एड्रेस सेम आज परमानेंट एड्रेस आप जो प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस आप भरने प्रेजेंट एड्रेस समान अच्छी ये सब क्लिक करेंगे दुटा एड्रेस आप सेम हो अलग अलग अच्छी नो क्लिक करेंगे आप प्रेजेंट एड्रेस आउ थे भरेंगे आप सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर आप सक्सेसफुल होगा आप ओके क्लिक करेंगे ओके उपर क्लिक कलापर वन टाइम रेजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन आप आसो आई एग्री फॉर द एयरपोर्ट टर्म एंड कंडीशन आप टिक करेंगे भल भाव टिक करेंगे तापर आप प्रिव्यू ओटीआर पर क्लिक करेंगे आप प्रिव्यू देखिपारे जदि आप सब ठीक ठाक भरी आप डिक्लेयर उपर आप क्लिक करेंगे डिक्लेयर उपर क्लिक कलापर आप सक्सेसफुल डिक्लेयर होगा आप ओके उपर क्लिक कलापर आप लाइव एग्जामिनेशन आप शो करेंगे ये आप कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन आप शो करेंगे ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट 8/4/24 स्टार्ट लास्ट डेट रहा 7/5/24 पेमेंट लास्ट रहा 8/5/24 कलेक्शन आप विंडो खोल 10/5/24 11/5/24 आप कलेक्शन करेंगे आप किसी भूल करते फॉर्म में आप कलेक्शन करेंगे ये अप्लाई शो करते अप्लाई पर क्लिक करेंगे अप्लाई पर क्लिक कलापर आप इंस्ट्रक्शन आसो इंस्ट्रक्शन भल पढ़ने फिल फर्म पर क्लिक करेंगे क्लिक कलापर जहाँ जहाँ आप पर्सनल डिटेल्स भरते हैं रजिस्टर आप शो करते भल चेकआउट करेंगे तो आपको नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर आप पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुल ओके उपर क्लिक करेंगे ओके उपर क्लिक कलापर आपकी एजुकेशन डिटेल भर आप ऑप्शन आसो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कौन से आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रही आप मैट्रिकुलेसन हायर सेकेंडरी प्लस टू डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएच जहाँ आप सिलेक्ट करेंगे क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो पोस्ट पर अप्लाई करते हैं से पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन रही है से क्वालिफिकेशन डिटेल आप भरेंगे ये आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड शो करूँगी ट्वेल्थ पास करेंगे आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पे सेकंड चूज करेंगे डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इश्यू बाय द आर्म्ड फोर्सेस आप थर्ड चूज करेंगे आप ट्वेल्थ पास करते हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आप चूज करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस आप जो एसेंशियल ऑप्शन आप भरने आप पास अच्छे अपीयरेंस आप सिलेक्ट करेंगे पास थे पास सिलेक्ट करेंगे अपीयरेंस थे अपीयरिंग आप सिलेक्ट करेंगे अपीयरेंस सिलेक्ट करेंगे पासिंग ईयर आप 2024 आप शो करेंगे यदि आप पास सिलेक्ट करते हैं आप कौ ईयर पास आउट है प्लस टू आप कौ ईयर पास आउट है आप ईयर आप सिलेक्ट करेंगे स्टेट यूटी बोर्ड यूनिवर्सिटी आप कौ स्टेट्रे आप पास करते प्लस टू आप कौ स्टेट पास करते हैं ओडिशा स्टेट सिलेक्ट करेंगे नेम ऑफ बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आप यूनिवर्सिटी नेम आप कौन रही बोर्ड आप कौन रही सीएचएससी ओडिशा कि आप आउ जहाँ रही है आप सिलेक्ट करेंगे ये आप सो कौन काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा सीएचएससी ओडिशा आप सो कौन आप सिलेक्ट करेंगे रोल नंबर जहाँ आप प्लस टू रोल नंबर रही है प्लस टू रोल नंबर देते कैसे परसेंट आप परसेंट देते जैसे सीजीपी अच्छे आप सीजीपी ना ब्लैंक छाड़े तापर आप सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे ओके उपर क्लिक कलापर आप एडिशनल इनफर्मेशन वन आप भरवाक आप ऑप्शन आसो व्वेदर यू आर एन एक्स सर्विसन और सर्विस इन आर्म फोर्स आपने आप एस न करेंगे एस कल डिटेल्स भरेंगे नो पर क्लिक करेंगे व्वेदर सिकिंग एज लिस्ट आप एज लिस्ट दरकार आप एस पर क्लिक करेंगे एस पर क्लिक कलापर आप एज लिस्ट कोड आप शो करेंगे जो कोड आप सेड्यूल अच्छे से कोड आप सिलेक्ट करेंगे एज लिस्ट दरकार नहीं नो पर क्लिक करेंगे डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इनफर्मेशन अवेलेबल फॉर एसएससी जॉब इन टर्म्स ऑफ डीओ पी एंड टीएस आप जो इनफर्मेसन भले आप डीओ पी एंड सहित सेयार करा चाहते आप एस उपर क्लिक करेंगे करना चाहूना नो उपर क्लिक करेंगे तापर आप सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर आप एडिशनल इनफर्मेशन आप सक्सेसफुल होगा आप ओके उपर क्लिक करेंगे ओके उपर क्लिक कलापर आप एडिशनल इनफर्मेशन टू आप भरेंगे प्रिफरेन्स अफ एग्जाम सेन्टर आप एग्जाम सेन्टर आपंती तीन टा प्रिफरेन्स आप भरेंगे फास्ट आपर एग्जाम सेन्टर कौट देते आप भरेंगे आप बालेश्वर रही ब्रह्मपुर रही भुवनेश्वर रही कटक रही ढेकान रही हिसाब से आपर एग्जाम सेन्टर तीन टाइम आप चूज करेंगे जो एग्जाम देखते एग्जाम सेन्टर आप चूज करेंगे
मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम देते हैं कौन मीडियम देते हैं हिंदी देते इंग्लिश देते आसामी बंगाली गुजराती ओडिया आप रही है आप हिसाब से मीडियम जो मीडियम देवा चाहते हैं मीडियम आपड़ी सिलेक्ट करेंगे आउ थे आप जो मीडियम चूज करते मीडियम आउ थे आप भेरीफाई करेंगे मीडियम टाइपिंग टेस्ट आप देते टाइपिंग टेस्ट कौन मीडियम देते इंग्लिश देते ना हिंदी देते आप टाइपिंग टेस्ट आप चूज करेंगे आउ थे आप भेरीफाई करेंगे आर यू परसेंट बेंच में डिसेबिलिटी 40% रेव हो आपड़ी पीरियड कैटेगरी देते आप डिसेबिलिटी 40% रेव होते आप रजिस्ट्रेशन आप येस नो करते आप शो करते आर ए पर्सन डिजेबिलिटी फोर्टी फाइव वेज बोथ आर्म होते आप येस नो करते शो करते डू हाव फिजिकल लिमिटेशन राइट एज पर पारा 7.27 फिजिकल लिमिटेशन थोड़ा आप येस नो करेंगे ये सब क्लिक करेंगे डिटेल्स भरेंगे हिंदी देखो नो पर क्लिक करेंगे स्क्राइब जब आप पीरियड कैटेगरी देते स्क्राइब पे आप येस नो आप करेंगे व्हेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और रिक्वायर्ड फॉर डीओ इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ पारा 8.1 ऑफ द नोटिस आप 12th पास करते साइंस स्ट्रीम में आप 12th स्टैंडर्ड करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था तरह आप ये सब क्लिक करेंगे आप मैथमेटिक्स पढ़ना 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम में आप ना आप नो पर क्लिक करेंगे डीओ पोस्ट में आप खाली मागुच आप येस नो आप सेव नेक्स्ट ऑफ क्लिक करेंगे सेव नेक्स्ट ऑफ क्लिक कलापर आप फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड ऑप्शन आसो फोटोग्राफ गोटे लाइव फोटो आप अपलोड करेंगे कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे आप लैपटॉप यदि आप अप्लाई करते आपड़ी लैपटॉप कैमरा ऑन करी आप फोटोग्राफ अपलोड कर कैप्चर करेंगे लाइव फोटो आप थ्रो आप स्कैन करेंगे आप थ्रो आपड़ीपर आप सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे आप 10 KB 20 KB जब भी फोन रहा दरकार सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे सिग्नेचर अपलोड कर सारा आप सेव नेक्स्ट ऑफ क्लिक करेंगे क्लिक कला आप प्रीव्यू फॉर्म आसो जहाँ जहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म भले सब आप प्रीव्यू हो भले चेकआउट करेंगे तरह तो आप स्क्रॉल करेंगे फोटो सिग्नेचर आप शो करते जब आप ठीक ठाक बढ़ते सब आप चेकआउट करेंगे आप सेव नेक्स्ट ऑफ क्लिक करेंगे जब आप किसी एडिट कर सकते गो बैक जाइए आप एडिट करेंगे जब आप सब ठीक ठाक बढ़ते सेव नेक्स्ट ऑफ क्लिक करेंगे सेव नेक्स्ट ऑफ क्लिक कला आप डिक्लेरेशन आसो डिक्लेरेशन भल पढ़ने एग्री क्लिक करेंगे कैप्चा कोड देखते कैप्चा कोड आप फिलअप करेंगे आप सेव नेक्स्ट ऑफ क्लिक करेंगे सेव नेक्स्ट ऑफ क्लिक कलापर आप शो कर फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग आप कंटेंटा वेरिफिकेशन होने आप पेंडिंग आप शो करेंगे आप गो टू डैशबोर्ड जाए आप्लिकेशन आप देखिपारे आप पेमेंट करेंगे आज आप एससी एसटी कैटेगरी होते हैं डायरेक्ट आप फॉर्म एप्लीकेशन प्रिंट करेंगे ऑप्शन आसो आप अनरिजर्व के ओबीसी कैटेगरी होते हैं आप पेमेंट करा पड़ो 100 टाँग आप पेमेंट करा पड़ो मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आप पेमेंट मोड ऑनलाइन शो कर अमाउंट आप 100 टाँग शो करेंगे पे उपर क्लिक करेंगे आप एसबीआई ई पे लाइट आप ओपन होता नेट बैंकिंग स्टेट बैंक डेबिट कार्ड अदर बैंक डेबिट कार्ड प्रीपेड कार्ड यूपीआई थे आप पे करेंगे जो ऑप्शन आप ऑप्शन आप चूज करेंगे ये आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे क्लिक कलापर जब आप क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्ड चूज करते हैं कार्ड और डिटेल्स भरने का ऑप्शन आसो कार्ड और डिटेल्स भरेंगे तापर आप पे उपर क्लिक करेंगे पे उपर क्लिक कलापर आप पेमेंटा भेरीफाई हो पेमेंट भेरीफाई पेमेंट सबमिट हो पेमेंट सबमिट होगापर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करा आप ऑप्शन आसो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट कर रखने स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 पोस्ट को आपके अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मुझे बतई सारी जदि आप मन में किसी भी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में पचारत यह भिडियो आपको भल लगी भिडियो को लाइक करूँ आप फ्रेंड मैं सेयार करूँ चैनल को सब्सक्राइब करा भूलुनि धन्यवाद।